वस्ती जिले गांधरबल का दूर दराज इलाका सरबल सोनमर्ग, जिसको जिले गांधरबल का आखिरी गांव भी कहा जाता है, में मुख्तलिफ इकसाम की सब्जियां उगाई जाती है, जिसमें यहां के मशहूर आलू भी हैं। आपको बता दें कि मौसमी गर्मा शुरू होने के साथ ही तहसील गुंड के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोग सरबल सोनमर्ग का रुख करते हैं और यहाँ पर वो करीबन 6 माह तक रहते हैं। इस छोटे से गांव की आबादी फिलहाल इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन माना यह जाता है कि आने वाले वक्त में यहां की आबादी में इजाफा हो सकता है। इसकी वजह इसी गांव के बीचों बीच बनाई जा रही एशिया की सबसे लंबी सुरंग है, जिसको जोजला सुरंग भी कहा जाता है, जिस पर शोधोमत से काम भी जारी है। इस गांव की बात अगर की जाए तो सियाहती मुकाम सोनमर्ग की तरह यहाँ पर भी 6 माह तक ही लोग रहने के लिए आते हैं और मौसमी सरमा शुरू होने के साथ ही यानी नवंबर के महीने में वो वापस अपने इलाकों का रुख करते हैं, जिसकी वजह यहां पर होने वाली शदीद बर्फबारी है। इन 6 माह के दौरान यहां पर मुख्तलिफ इकसाम की सब्जियां उगाई जाती है, जिसमें ज़्यादातर यहां के आलू होते हैं जो कि बड़े मशहूर है, और इनको खरीदने के लिए कई इलाकों से लोग भी आते हैं। लोगों का कहना है कि सरबल के आलू बड़े ही मीठे होते हैं। यहाँ के काश्तकारों का कहना है कि इस दौरे जदीद में भी मकमे ज़राअत की तरफ से इन्हें कोई तवज्जो नहीं मिलती है, जिसे इनको खदशा जाहिर हुआ है कि आने वाले वक्त में यहाँ के आलू की पैदावार में नुमाया कमी आ सकती है। पेशे सरबल सोनमर्ग से ग्लेशियर टाइम्स के लिए उमर रैना की यह खसूसी रिपोर्ट। फर्क थोड़ी डिफरेंस है इसकी में, ये जो आलू है लाल वाले आलू हैं, ये बहुत टेस्टी होते हैं जी। बहुत मुफीद भी होते हैं और बहुत इसका फसल बहुत निकलता है जी। और ये इसका भी फसल अच्छा निकलता है, इसके लिए हमें अगर गवर्नमेंट मतलब ख़रीदारी करता तो बीज के लिए रख के सब इलाकों में ये जाता तो हमें भी थोड़ा प्रॉफिट मिल जाती इस, क्योंकि हम आलू का ज़्यादा काश करते हैं, इसी से हमारा रोज़गार बनेगा जी। तो हम इसदा करते हैं, मतलब मेहरबानी करके कोई गवर्नमेंट आए यहाँ, क्योंकि 5-8 दिन रह गए आलू निकालने को, इसको जमा करने के लिए। फिर मंडियों तक पहले हम बेचते थे, इस साल कोई ऐसा नहीं है आने का, तो ये अगर गवर्नमेंट ही रखते लेते थे, फिर दुनिया मतलब इसका बीज ढूंढते हैं, क्योंकि हम बेच डालते हैं उधर इधर, फिर हम रखने को कोई मौका नहीं होता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट मतलब ये ख़रीद लेते तो हम 5-10 दिन तक हम जमा रखते थे बैगों में भर के, ये क्योंकि बहुत अच्छा बीज है ये, और एकदम से ये ज़मीन से निकल जाता है और उसका फसल भी अच्छा बनता है। हाँ, ये पत्ते की सब्ज़ी है ये जी। इसको कड़म बोलते हैं जी। तो ये बहुत लजीज चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, एकदम पकाने में बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, तो बहुत अच्छा चीज़ है। इसका बीज भी हमें अच्छा बीज नहीं मिलता है जी। इसका बहुत किस्म का बीज होते हैं, जैसे वो इसके नीचे वो मुझी बोलते हैं, मतलब है मोंड बोलते हैं, वो होता है, तो ये दूसरा किस्म का लंबा थोड़ा होता है, तो इसके बीज भी नहीं मिलता है। कोई बाज़ार से लाते हैं, वो ठीक नहीं होते हैं, कभी बन जाते हैं, कभी वो बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वो बाज़ार का बहुत सालों का होता है, वो ठीक नहीं होता।